आज हम जानेंगे जीपलिप एप्लीकेशन के बारे में फ्रेंड्स, कि जीपलिप एप्लीकेशन क्या है, इसे कैसे यूज करना है। ये बिल्कुल नया एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को जैसे ही डाउनलोड करके ओपन करेंगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपको वीडियो को लाइक करने का, कमेंट करने का और शेयर करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप नीचे की ओर इस तरह स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। बस आपको नीचे की ओर इस तरह स्वाइप अप करते हुए चले जाना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे और भी वीडियो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको नीचे की ओर इस तरह स्वाइप अप करते हुए चले जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, बात करते हैं कि यहाँ पर अपने खुद की वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हैं आप गूगल या फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे गूगल से ही लॉगिन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल में जितने भी जीमेल के अकाउंट है सारे खुल के आ गए हैं। तो मैं किसी एक अकाउंट से इसे जल्दी से लॉगिन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा लॉगिन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ थ्री डॉट में क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यदि आप अपने प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप अपने प्रोफाइल का पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ कैमरे वाले पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ जो भी चेंज करना हो करके यहाँ ऊपर सेव वाले पे क्लिक करके इसे सेव कर दें। तो मैं फिलहाल यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं करता हूँ, मैं बैक चला जाता हूँ। अगेन आप यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमको लॉगआउट का ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप लॉगआउट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, वीडियो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ कैमरे वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो भी सारी परमिशन मांगे सारी परमिशन आप अलाउ कर दें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कैमरा ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से आप अपने कैमरे को आगे और पीछे कर सकते हैं। इस तरह देख सकते हैं आगे और पीछे हो रहा है। यहाँ से फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से टाइमर लगा सकते हैं। उसके बाद यदि आपके पास कोई पहले से रिकॉर्ड की गई वीडियो है जिसका आपने वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो को यहाँ पे अपलोड वाले पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को अपलोड करना चाहता हूं तो मुझे इस वीडियो पर क्लिक करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको एवरीडे इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो आ गया है। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यदि आप वीडियो के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इस पोस्ट वाले पे क्लिक करके वीडियो को पोस्ट कर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पोस्ट करके देखता हूँ कि वीडियो पोस्ट होता है कि नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। मैं वीडियो पे क्लिक करके वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो प्ले हो चुकी है। उसके बाद मैं बैक चला जाता हूँ। उसके बाद मैं होम पेज पे ही चला जाता हूँ। इस एप्लीकेशन के बारे में फ्रेंड्स, मैं फाइनली यही कहना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन तो मुझे ठीक ही ठाक लगी। वीडियो अपलोडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वीडियो सक्सेसफुली अपलोड हो गई। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी सारी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। फिर भी अभी भी इस एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।